नवनियुक्त रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्री के तौर पर आज यानी गुरुवार को पद संभाल लिया। इस मौके पर अरुण जेटली भी मौजूद थे। आखिरकार करीब 5 महीने के बाद देश को पूर्णकालिक रक्षा मंत्री मिल गया है। मार्च में मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे देने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अतिरिक्त पदभार के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आपको बता दें कि वो देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। हालांकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अपने पास रखा था, जिसके बाद अब रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रक्षा सामग्री का एक बड़ा खरीदार है। हालांकि अब कई उत्पाद भारत में भी बनाए जा रहे हैं। भारत में जो रक्षा उत्पादक काम कर रहे हैं उनके लिए दुनिया में बाजार पर भी नजर होगी। इसके साथ ही सुरक्षा बलों का कल्याण, तैयारियां और उनके परिवार का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता होगी।